नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और आज के प्रेम दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, परमात्मा को भी प्यार का सागर कहते हैं, गॉड इज लव कहा जाता है। तो जब परमात्मा प्रेम के सागर हैं तो परमात्मा की रचना ये समूची सृष्टि, सभी मनुष्य, जीव जंतु, प्रकृति, सभी तो प्रेम में ही होंगे ना। और इसीलिए ये प्रेम के आदान प्रदान के लिए ही बने हुए हैं। तो जब ये आदान प्रदान होता है तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, सुकून का अनुभव करते हैं। ज़रा विचार करें, यदि प्रेम का अभाव हो सृष्टि में, जीवन में, तो जीवन कैसा होगा? बहुत ही बेरंग सा हो जाएगा। और इस प्रेम का अभाव ही वास्तव में संबंधों में भी दूरियां पैदा कर देता है, खटास पैदा कर देता है। इसीलिए आज के इस प्रेम दिवस पर हम प्रेम में रहते हुए सभी को प्रेम प्रदान करेंगे, इसी शुभ संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जो जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया जाए वो जीवन नहीं है। मदर थेरेसा कहते हैं, हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए जीने का क्या मतलब है? दूसरों की खुशी के लिए खुद की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। आप दूसरों की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप संतुष्ट और स्वाभिमानी हों। दूसरों की सेवा करने और दूसरों के अधीन रहने में अंतर है। जब हम अपने आप में दिव्य गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम दूसरों को भी खुद को बदलने के लिए प्रेरित करेंगे। सुंदर सुवाक्य सुनकर एक बहुत ही पुराना गीत याद आ गया कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। सचमुच जब हम औरों के लिए जीते हैं तो जीवन का रूप ही बदल जाता है, एक आत्मसंतोष और आनंद की ओर जीवन अग्रसर हो जाता है। और चलिए 24 घंटे ना सही, लेकिन खास करके तब जब सामने वाले को हमारी ज़रूरत है तब तो हम अवश्य ही उनके लिए जिए। जैसे बीमारी के समय, कोरोना काल में कई बार ऐसा हुआ कि अपने अपनों से नहीं मिल पाए और इससे बहुत ज़्यादा एक दर्द पैदा हो गया दिलों में, जीवन में। कई बार ये भी रहता है कि कहीं ये डिजीज़ कम्युनिकेबल ना हो, हमें भी ना हो जाए, इसीलिए हम डर करके उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनसे दूर रहते हैं। इसीलिए आज आपकी सेहत आपके हाथ में, हम बात कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, आइए सुनते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जमाना है, एक जमाना था कम्युनिकेबल डिजीज का, इन्फेक्शस डिजीज का, जैसे कि हैजा हो जाता था, टाइफाइड बुखार, टीबी, मलेरिया, है ना, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस होते थे और लोग उससे मर जाते थे। पूरा का पूरा समाज, टेटनस होता था, स्मॉल पॉक्स होता था, चिकन पॉक्स होता था। अब वो बीमारियां लगभग कंट्रोल में हैं, किंतु आज जो नया ज़माना, पिछले जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, एक ज़माना आया है गैर संक्रामक रोग, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ये रोग जो हैं आज बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 80-90% इवन 95% तक ये रोग आज समाज में, और नंबर वन कारण यही है मृत्यु के भारत में या विदेशों में भी। जैसे हार्ट डिजीज लगभग 30% डेथ्स नंबर वन की लड़ है सारे विश्व में, ये भी एक गैर संक्रामक रोग है जो एक दूसरे से फैलता नहीं, गैर संक्रामक में एक दूसरे से फैलता नहीं है। कि तो अपने आप इसमें सब, इन सभी में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, और जैसे अपने अस्थमा, सांस की बीमारियां, पेट की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, सारी बीमारियां जो हैं वो सब के सब इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। उसमें स्ट्रेस का बहुत भारी रोल है। ये सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, अर्थात मन के द्वारा, मन में पहले आती हैं फिर शरीर में पैदा होती हैं, और ये स्ट्रेस रिलेटेड हैं। तो इसका जो मुख्य जो तरीका है ठीक करने, क्या करें इसके लिए हम, क्योंकि ये बीमारी सारी उम्र रहती, ताव उम्र रहती हैं, आप सारी उम्र दवाई खाते रहो तो भी आप ठीक नहीं हो सकते हैं, और उनके कॉम्प्लिकेशंस फिर भी हमारे शरीर पे आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए मॉडर्न मेडिसिन, साथ में मेडिटेशन। तो मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों मिलकर के साथ चलते हैं, तभी हम इन बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। और हमने पिछले कई सालों में, 25 साल में रिसर्च की है, जिसके द्वारा
हमने इन पर विजय पाई है। आगे हम शेयर करेंगे कैसे इन पर हम विजय पा सकते हैं। ओम शांति। तो बीमारी और बीमार से डरे नहीं, बल्कि बहुत ही निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ प्रेम से परिपूर्ण होकर बीमारों की भी खिदमत करें। इससे उन्हें इमोशनल सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उनकी हीलिंग पावर भी बढ़ जाती है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ होने लगते हैं। और यही तो हम अपनों के लिए कामना करते हैं, है ना। तो अपनों और अपना ख्याल रखने के शुभ संकल्प के साथ आइए अब चलते हैं स्पिरिचुअल इंडिया में एक ऐसी आध्यात्मिक धार्मिक नगरी की ओर, जिसका नाम सुनते ही हम सबका हृदय प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से भर जाता है, जिन्हें सप्तपुरियों में से एक पुरी कहा गया है। मनु द्वारा स्थापित सरयू नदी के तट पर बसा ये सुंदर नगर सचमुच स्वर्ग का आभास कराता है। वेदों में जिसे ईश्वर की नगरी या फिर स्वर्ग तुल्य माना गया है, भाइयों के बीच असीम प्यार की याद दिलाता श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी। आइए चलते हैं। अथर्ववेद के अनुसार यह देवताओं द्वारा निर्मित नगरी है। भगवान स्वामीनारायण अपने बचपन के वर्षों में यहाँ रहते थे। तुलसीदास ने इस शहर में अपने प्रसिद्ध श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बाहुबली, राजा हरिश्चंद्र और भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या भारत की प्राचीन सभ्यता का शिखर था और इसे हिंदुओं के सात पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। अपने हिंदू संबंधों के अलावा अयोध्या गौतम बुद्ध और महावीर का घर रहा है। अयोध्या में 100 से अधिक बौद्ध मठ है। जैन ग्रंथों में भी अयोध्या को 5 तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव शामिल है, जिन्हें जैन धर्म के पिता के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में राम का साथ अभी भी सांस ले रहा है, सद्भावना और सुशासन की गूंज सुनाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि राम अभी भी जीवित हैं। उनकी नैतिक चेतना दुनिया के लिए एकता और शांति की मिसाल है। राम हमें ऐसे मूल्य दिखा रहे हैं जिन्हें हमने रास्ते में खो दिया है। जीवन सिर्फ मैं और मेरा का गीत नहीं है, बिना रोए बलिदान देना, विपरीत परिस्थितियों को सामना करना, निष्ठा, निस्वार्थता की शक्ति, दृढ़ संकल्प और विश्वास, ये सब हमें राम, सीता और लक्ष्मण से सीखना चाहिए। और यही है अयोध्या का संदेश। पुण्य आध्यात्मिक नगरी के दर्शन करके सचमुच मन कितना शीतल हो जाता है, सुकून से भर जाता है। अयोध्या का अर्थ ही है जिसे युद्ध से प्राप्त ना किया जा सके, और वास्तव में जिसे युद्ध से ना जीता जा सके उसे प्रेम से जीता जा सकता है। कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी के हाथ में भी जो बांसुरी है वो दोनों हाथों से पकड़ते हैं, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है, जबकि सुदर्शन चक्र वो एक उंगली में ही उठा लेते हैं। सचमुच प्रेम के आधार पे सारे संसार को जीता जा सकता है, तो क्यों ना प्रेम से ही सबके हृदय को जीतें और हृदय पर राज्य करें। ऐसे ही सबके हृदय को जीत कर, सबके घर घर में DNA के माध्यम से पहुँच कर, सबको सुंदर समाचारों से अवगत कराते हैं हमारे भ्राता सुधीर चौधरी जी, जो कि जी न्यूज़ के मुख्य संपादक हैं। उनमें ही अध्यात्म का बहुत सुंदर रस भरा हुआ है, जिसका अनुभव उन्होंने अपने शब्दों में ही साझा किया है। आइए सुनते हैं। आज आने के बाद जिस चीज ने मुझे प्रेरित किया आने के लिए, वो था इनकी सिंप्लिसिटी और इनकी पॉजिटिविटी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने ये कहा था कि एक हॉल के अंदर 10,000 पॉजिटिव सोल्स, हम्बल सोल्स, पॉजिटिव सोल्स
एक साथ इकट्ठा है एक हॉल के अंदर जी। तो उसके अंदर से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही थी और उसको मैं महसूस कर पा रहा था कि इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी एक साथ इस हॉल से निकल रही है, रिलीज हो रही है जी। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि इस पॉजिटिविटी को मैं अपनी सांस के जरिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने शरीर में भर लूं, अपने दिमाग में भर लूं और इसको मैं फिर यहां से दिल्ली ले जाऊं जी, फिर जी। मैं देखता हूं ये कितने दिन लास्ट करती है, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि न्यूज रूम्स बहुत नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिविटी उस न्यूज रूम के नेगेटिव माहौल में कितनी देर चलेगी अभी मैं जाके टेस्ट करूंगा। बट इतने सारे लोग सारे मुस्कुराते हुए, सबके चेहरे पर शांति, सब बहुत काम है और सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी, कोई भाग नहीं रहा है। जो हम जिस शोर शराबे की जिंदगी से मैं आया था जी, भाग दौड़ लगातार, मैं जहां से आता हूं मैं हमेशा अपने आप को भागते हुए ही पाता हूं और भागते हुए मैं भी हमेशा मैं पीछे होता हूं, मतलब समय के पीछे भाग रहा होता हूं। तो मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत ही दरिद्र देश से एक बहुत ही सुखद देश में आ गया हूँ जहाँ सब कुछ बढ़िया है, राम राज्य की तरह सब ठीक चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मन कर रहा था कि मैं यहीं रह जाऊं। मित्रों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं वो कथा जिसमें ये सुनाया गया था कि यदि प्रेम, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों साथ साथ सामने खड़े हो जाएं तो उनमें से तुम प्रेम को चुनना, क्योंकि यदि प्रेम होगा तो वहां पैसा और प्रतिष्ठा दोनों साथ साथ चले ही आएंगे। सचमुच यदि प्रतिष्ठा बहुत हो और साथ ही पैसा भी बहुत हो लेकिन संबंधों में प्रेम ही ना हो, समाज में प्रेम का ही भाव ना हो, नफरत और घृणा ही घृणा हो, तो क्या ऐसे जीवन का हम आनंद ले पाएंगे, सुकून भरा जीवन जी पाएंगे? कतई नहीं। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम बांटो, प्रेम को प्रवाहित करो और जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं, प्रेम से ही सब कुछ सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। और यही प्रेम का पाठ ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा भी जन जन को पढ़ाया जा रहा है। आज के इस प्रेम दिवस पर एक सुंदर प्रस्तुति आप सभी के लिए। वैलेंटाइन्स को लेकर प्यार की कई कहानियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन्स डे मनाने के लिए 14 फरवरी को ही क्यों चुना गया? रोम के एक पादरी थे सेंट वैलेंटाइन, उनके लिए प्रेम ही जीवन था, लेकिन इसी शहर के एक राजा क्लॉडियस को उनकी यह बात पसंद नहीं थी। राजा को लगता था कि प्रेम और विवाह से पुरुषों की बुद्धि और शक्ति दोनों ही खत्म होती हैं। इसी वजह से उसके राज्य में सैनिक और अधिकारी शादी नहीं कर सकते थे। हालांकि सेंट वैलेंटाइन ने राजा क्लॉडियस के इस आदेश का विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अधिकारियों और सैनिकों की शादियां भी कराईं। इस बात से राजा भड़क गया और उसने सेंट वैलेंटाइन को 14 फरवरी के ही दिन फांसी पर चढ़वा दिया। उस दिन से हर साल इस दिन को वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है। प्यार हर इंसान के मन में होता है। किसी का प्यार वतन के लिए होता है तो किसी का माता पिता से होता है, किसी का भाई बहन से तो किसी का प्रेमी या प्रेमिका से। वास्तव में सच्चा प्रेम वह होता है जो निस्वार्थ हो, जो निष्काम हो, और ऐसा प्यार करने वाला प्यार के सागर के सिवाय और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब वह प्यार करता है तो अपने प्यार में वह अपने बच्चों के लिए एक पूरी दुनिया ही सौगात में दे देता है और बदले में हमसे हमारे विकारों का दान ले लेता है। तो जरा सोचिए, होगा कोई ऐसा जो प्यार करे उसके जैसा? तो आओ मनाएं सच्चा सच्चा वैलेंटाइन परमपिता परमात्मा शिव की लाल किरणों की छत्र छाया में और खो जाएं उसके प्यार में। मित्रों, प्रकृति का एक नियम है, जो देंगे वही प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम आज
प्रेम देने का संकल्प ले लें, हम सभी को प्रेम दें, ये ना देखें कि कौन हमें क्या दे रहा है। यदि हम प्रेम देंगे तो निश्चित रूप से हमें वो प्रेम प्राप्त होगा ही होगा। तो आज जाति भाषा मजहब की दीवारों को तोड़कर सबको प्रेम देने का संकल्प लें। प्रकृति से भी हम प्रेम करें, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। अपनी जिम्मेवारियों से भी प्रेम करें, देश से भी प्रेम करें, और साथ ही साथ परमात्मा जो हमारे माता पिता हैं उनसे भी संपूर्ण प्रेम करें। उनसे यदि प्रेम है तो हमारा जीवन वैसे भी प्रेममय हो जाएगा और हम सबको प्रेम देने के काबिल हो जाएंगे। तो एक बार पुनः आज के सुंदर प्रेम दिवस की आप सभी को अनंत दुआएं, शुभकामनाएं और बधाइयां। नमस्कार, ओम शांति। Thank you.